अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। तो आज अम्मी बना रही थी हमारी कैप्सिकम की सब्ज़ी, तो मैंने सोचा क्यों ना रिकॉर्ड कर लेती हूँ आप लोगों के लिए। बहुत मज़े की बनती है, लंच में आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी आपको। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं रेसिपी कि अम्मी ने किस तरह बनाई है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अम्मी ने 2 मीडियम प्याज ले ली थी और ये कढ़ाई ले ली है, इसमें अम्मी ने 2 मीडियम प्याज जो है वो काट कर डाल दी थी हाफ कप ऑयल में। तो हाफ कप ऑयल में डालने के बाद इसको हमें हल्का कच्चा पक्का करना है। फिर उसके बाद अम्मी ने इसमें ज़ीरा डाला था हाफ टी स्पून, सॉरी जो वो मैं आपको दिखाना भूल गई थी, अम्मी ने डाल दिया था। तो मैंने कहा आप लोगों को मैं इस तरह ही बता दूंगी कि इसमें आप ज़ीरा डाल दीजिएगा हाफ टेबल स्पून। ज़ीरा बहुत अच्छा जायका देता है, ज़ीरा तो मुझे बहुत ही पसंद है। तो इसमें ज़ीरा डालने के बाद उसको 2-4 मिनट बनाने के बाद अम्मी ने कासीपल डाल दिया है। कासीपल को आपको इस तरह बारीक, मतलब ज़्यादा बारीक भी नहीं, क्यूब्स में काट लेना है। उसके बाद आप इसमें डालकर फ्राई करना है इसको प्याज़ में, इसी प्याज में आपको फ्राई करने के बाद। फिर इसमें ज़्यादा मसाले भी नहीं डलते हैं, बस थोड़े से मसाले डलते हैं और ये इतने मज़े की बनती है। बस इसको अम्मी ने 2-4 मिनट फ्राई कर लिया था। फ्राई करने के बाद अम्मी ने इसमें हल्दी डाली है, जो मैं आपको दिखाती हूँ। हल्दी डाली है हाफ टेबल स्पून, और टीस्पून कह सकते हैं, हाफ टी स्पून अम्मी ने इसमें हल्दी डाली है और कुटी हुई मिर्चें डाली हैं। कुटी हुई मिर्चें जो है वो आप अपने हिसाब से डालिएगा, आप तेज़ खाते हैं कम खाते हैं, हमारी नॉर्मल खाते हैं तो हमने नॉर्मल डाली है। फिर इसमें नमक डाल दिया है, बस ये 3 मसाले ही इसमें डलेंगे तकरीबन, और इसको मिक्स करेंगी अम्मी तकरीबन 2-4 मिनट, इसको दम पे भी रखेंगी। अभी इसको मिक्स करने के बाद फिर अम्मी ने एक तरफ इमली भी रखी है, जो मैं आपको दिखाऊंगी। बस इसी कासीपल को ना अम्मी इसी तरह भून रही हैं। भूनने के बाद फिर इसके बाद मैं आपको बताती हूँ क्या आगे अम्मी ने क्या किया। तो ये इमली जो है ना अम्मी ने भिगो कर रख ली थी, ये इमली है आप देख लें, ये इमली है, और इसको भिगो के रख दिया था। इसका जो इसको इसका पानी में इसको जो पल्प निकलेगा वो डालेंगी। चिया आप इसके जो भी बीज होते हैं वो निकाल दीजिएगा। तो अम्मी ने इसको 5 मिनट ढक कर रख दिया था दम पर। अभी आप देखें इसमें इसने अपना पानी छोड़ दिया, इसी पानी में हमें इसे खुश्क करना है, कोई पानी नहीं डालना, बस ये इसी पानी में तैयार हो जाएगी। इसको इसी तरह मिक्स करने के बाद दोबारा अम्मी इसको रख देंगी दम पर। बस आपको इसका इतना वेट करना है कि इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए और ये भुन जाए अच्छी तरह। इसके भुनने के बाद फिर अम्मी इसमें डाल देंगी वो जो इमली का पल्प था, उसको डालने के बाद अम्मी इसको 5-10 मिनट रख रही हैं दम पर। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी क्या शक्ल है। कासीपल की जो सब्ज़ी है ये अपना पानी खुद छोड़ती है, और अमूमन आप लोगों ने देखा होगा सब्ज़ियों में हम लोग पानी नहीं डालते, वो अपना पानी खुद छोड़ती हैं तो वो उसी में भुन जाती हैं। वो जो इमली रखी थी अम्मी ने वो इमली इसमें डाल रही हैं। ज़्यादा मत डालिएगा, आप लोग भी थोड़ी सी डालिएगा वरना बहुत खट्टी हो जाएगी। तो इसमें थोड़े से ही डाला है अम्मी ने, तकरीबन 2-3 टेबल स्पून भर के डाले होंगे, इस तरह आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा। और इसको मिक्स करने के बाद अम्मी रख देंगी थोड़ी देर के लिए दम पर, और बस इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए और ये बिल्कुल भुनी भुनी हो जाए, तो ये रेडी है। आप लोग लंच में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैंने इसमें हरी मिर्चें भी डाली हैं, जो मैं आपको दिखाती हूँ। हरी मिर्चें मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने 2-3 इसमें बारीक हरी मिर्चें डाली हैं काट कर। अम्मी को मैंने कहा था तो वो डाल रही हैं, देखिएगा आप इसमें वो बारीक हरी मिर्चें भी थोड़ी सी डालेंगी। अभी तो फ़िलहाल इसको ये दम पर रख रही हैं, 10 मिनट के लिए इसको दम पर रखेंगे। ये देखिए हमने इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक काट कर डाल ली हैं। आप लोगों को अगर डालना हो तो आप लोग डालिएगा, आप लोगों के हिसाब, मतलब टेस्ट के हिसाब से, अगर आप पसंद करते हैं तो डाल दीजिएगा। मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं तो मैं तो हमेशा बहुत सारी डलवाती हूँ। बस इस तरह डालने के बाद आप देखिए इसका ऑयल सेपरेट हो गया, यानी कि ये बिल्कुल भुन चुकी है। तो इंशाल्लाह आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी। अल्लाह हाफिज़। मैं इसको 5-10 मिनट रख रही हैं दम पर, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसकी क्या शक्ल है। कासीपल की जो सब्ज़ी है ये अपना पानी खुद छोड़ती है, और अमूमन आप लोगों ने देखा होगा सब्ज़ियों में हम लोग पानी नहीं डालते, वो अपना पानी खुद छोड़ती हैं तो वो उसी में भुन जाती हैं। वो जो इमली रखी थी अम्मी ने वो इमली इसमें डाल रही हैं। ज़्यादा मत डालिएगा, आप लोग भी थोड़ी सी डालिएगा वरना बहुत खट्टी हो जाएगी।
तो इसमें थोड़े से ही डाला है मैंने, तकरीबन 2-3 टेबल स्पून भर के डाले होंगे, इस तरह आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा। और इसको मिक्स करने के बाद अम्मी रख देंगी थोड़ी देर के लिए दम पर, और बस इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए और ये बिल्कुल भुनी भुनी हो जाए, तो ये रेडी है। आप लोग लंच में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैंने इसमें हरी मिर्चें भी डाली हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ, हरी मिर्चें मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने 2-3 इसमें बारीक हरी मिर्चें डाली हैं काट कर, अम्मी को मैंने कहा था तो वो डाल रही हैं। देखिएगा आप इसमें वो बारीक हरी मिर्चें भी थोड़ी सी डालेंगी। अभी तो फ़िलहाल इसको ये दम पर रख रही हैं, 10 मिनट के लिए इसको दम पर रखेंगे। ये देखिए हमने इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक काट कर डाल ली हैं। आप लोगों को अगर डालना हो तो आप लोग डालिएगा, आप लोगों के हिसाब मतलब टेस्ट के हिसाब से, अगर आप पसंद करते हैं तो डाल दीजिएगा, मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं तो मैं तो हमेशा बहुत सारी डलवाती हूँ। बस इस तरह डालने के बाद आप देखिए इसका ऑयल सेपरेट हो गया, यानी कि ये बिल्कुल भुन चुकी है। तो इंशाल्लाह आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी। अल्लाह हाफिज़।